हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं कुछ खाने पे नया बनाने वाली हूँ। आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, बहुत अच्छी चीज है। जो लोग आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी घर पे बना सकते हैं और आप लोग एक बार जरूर बना के खाइए, बहुत अच्छी लगती है। देखिए, जे लिए हमने तीन मूली, इनके मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी बना सकते हैं घर पे, पर आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अब मैं तीनों मूलियों को अच्छे से छिल्ली से छीलूंगी, इसका छिलका निकाल दूंगी जल्दी जल्दी से। देखिए मैं छील रही हूँ फटाफट फटाफट। आप लोग जरूर देखिएगा, मूली का बहुत अच्छा पराठा बनता है। कैसे बनाना है अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो आप लोग अपने घर पे जरूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मेरे घर पे तो काफी लोग पसंद करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा भी करता है और मेरा हस्बैंड भी करता है। आप लोग देख सकते हैं मेरी दो मूलियां छिल चुकी हैं, ओनली एक मूली और रह गई है जो मैं अभी हाल फटाफट इसको भी छील लेती हूँ जल्दी से, इसका छिलका निकाल देती हूँ। वीडियो आप लोग मेरा पूरा जरूर देखेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से बना पाएंगे और मैंने इसीलिए आपको पूरे अच्छे से बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जरूर खाइएगा, बहुत आसान है। मूली बाजार में भी बहुत सस्ती बिक रही है, ना तो सब्जी लगती है ना कुछ लगती है, बस खाली मूली के पराठे बनाओ, चटनी के साथ खाओ। फ्रेंड देखिए, अब मैं क्या करती हूँ मूलियों का, देखिए ये रख दी है मैंने साफ करके। आप लोग बने रहिए मेरा चैनल पर और देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ इनका। इस मूली को ऐसे इससे किस लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्रेंड, बहुत जल्दी जल्दी से बन जाता है। आप लोग देखते रहिएगा मैं कितनी जल्दी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को खाना था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर पे बनवा के खा सकते हैं। जो सिस्टर लोग हैं वो लोग खुद बना लेंगी और बाकी सब लोग अपने घर पे बनवा लीजिएगा अपने घर पे और बढ़िया से खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी से इससे इसको किस लेते हैं फटाफट फटाफट। देखिए दोस्तों कैसे जल्दी जल्दी मैंने इसको किसके रख लिया है मूली को, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी फटाफट से बन जाते हैं, खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कितना आसानी से इतना जल्दी जल्दी से इसको किस लिया है। दोस्तों देखिएगा आप कि मैं क्या करती हूँ, अब इसको ये मूली किसके रख लिया था मैंने, अब देखिए आप लोग मैं इसका क्या करती हूँ, इसका मैं सारा पानी ऐसे निकाल दूंगी। आप लोग देख रहे होंगे, देखिए मैंने सारी मूली किसके इसका बिल्कुल अच्छे से इसका पानी जो निकलता है वो मैंने निकाल लेती हूँ। इसमें क्या क्या डालना है मैं वो सारा सामान आपको बताती हूँ अभी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मेरा पराठा देखिए आप लोग कितना अच्छा बनता है। देखिएगा बिल्कुल से मैंने सारा पानी इसका निकाल लिया,
एक एक बूंद पानी निकाल लिया है मैंने इसका। फ्रेंड देखिए तीन मूली में कितनी सी मूली बची है, इतनी सी मूली बची है, देख ले आप लोग, आप लोग देख रहे होंगे कितनी सी मूली बची है, बस इतनी सी जरा सी। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सामान जो फिर पराठे में भरेंगे और फिर पराठा बनाएंगे। दोस्तों देखिएगा आप लोग कि मैंने इतना सारा इसमें नमक डाल दिया है, आप लोग देखिएगा हरी धनिया डाल दी है और नमक भी डाल लिया है। देखते रहिए आप लोग मैं क्या क्या डालती हूँ इसमें। इसमें मैंने हींग भी डाल दिया है इतना। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिएगा इसमें और मैं सौंफ भी डाल देती हूँ एक चम्मच। देखिए आप लोग इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ और फ्रेंड इसमें मैं लाल मिर्च भी डालूंगी। देखिएगा लाल मिर्ची भी डाल देती हूँ। अब इस सामान को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिएगा आप लोग, देखिए मेरा सामान डल गया इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। बहुत अच्छे से आप लोग इसको मिक्स कर लेना। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस मेरे को आटा सेट करना है और मैं आपको बना के बताऊंगी कि कितना अच्छा पराठा बनता है। आप लोग जरूर खाइएगा अपने घर पे बनवा के। दोस्तों देखिए पूरा मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया है इसको, आप लोग देख सकते होंगे। दोस्तों देखिए मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं बनाऊंगी पराठा। देख सकते हैं आप लोग, मैंने आटा सेट करके करके रख दिया था और मैं अब बना रही हूँ। आप लोग मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और एक बार आप लोग अपने घर पे जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने पर। फ्रेंड इतना बेल लेते हैं इसको हम, देखिए आप लोग, और इसको लेके जो अपन ने रख दिया था जो मूली, उसका इतना सा जो मसाला लेके और आराम से इसके अंदर आप भर देंगे। देखिए ऐसे भर देते हैं, फैला देते हैं अच्छे से, आप लोग देख रहे होंगे। बस ऐसे इसको मोड़ दो, अच्छे से मैंने इसको मोड़ दिया है, आप लोग देखिएगा कितने अच्छे से। और जल्दी जल्दी से इसको बेल देते हैं, धीरे धीरे हाथों से बेलेंगे, जल्दी तेज बेल लेंगे तो फिर वो निकल जाएगी बाहर मूली, उसमें से जो भी मैंने इसके अंदर मसाला डाला है। आपको धीरे धीरे से ही बेल के, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से बना रही हूँ। फ्रेंड क्या करूं, अकेले बनाना पड़ता है तो मैं आराम आराम से काम करती रहती हूँ अपने घर का। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मैंने इसको बेला है। अब इसको अच्छे से सिकने देते हैं। आप लोग मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड देखिए ना मेरा पराठा सिक गया है तवे पे। अब इसको मैं तेल से फ्राई करती हूँ, आप लोग देखिएगा।
देखिए दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में बड़े अच्छे से बना सकते हैं। कैसा बनाया आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड, मेरा पराठा कैसा बना है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय।